गर्दन में पाउडर लगा रहे हैं धूप से थोड़ी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया आपके भाई के चैनल पे आप सबका। तो गाइस कल से अभी तक आपका भाई स्टिल जाग रहा है, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं है, क्योंकि जी हम जो शहनशाह साहब लाए ना वो इतना नखरेलू है ये खड़ा हुआ है, कुछ खा पी रहे हैं जबरदस्ती इसको हाथों से हम खिला रहे हैं। हम क्या, मैं आगा भाई हाथों से खिला रहा है, साथ कोई दूध से खिला रहा है। तो अभी इसके लिए हम लेके जा रहे हैं दूध इसको पिलाएंगे, उसके बाद आधे घंटा बट आएगा, फिर ला दिला के इसको रेडी करके फिर आपको हम दिखाएंगे चकाचक। तो चलते हैं, पहले इसको पिलाते हैं सुल्तान आजम यानी शहनशाह आजम को दूध। ये देखें हमारे पास कट्टी भी है, ये कट्टी और ये बकरी रखी हमने। चल जी, लो जी आ गए हैं हम सुल्तान और फिर सुल्तान शहनशाह। बस इसको हमने बुबुश पिला दिए, बुबुश से मुंह पे जो तबरक दिया ना मेरे वो रात को भी दिया था और अभी फिर दे दिया। तो अब जाके करते हैं थोड़ा सा बट का इंतज़ार, फिर इसको नहला दुला के चकाचक इसके जो झांझरे वांझरे लाए हैं सारा कुछ को रेडी शेडी करके फिर आपको इसकी लुक दिखाएंगे। ओके जी चलो। A few moments later. तो गाइस इंतज़ार ही करी हुई ख़त्म, बट और नीचे आ चुके हैं, चलते हैं वेड़ा छेड़ा खोलते हैं और लेके जाते हैं जिधर उसको नहलाना है। तो कैमरा मैन हमारा उसको अच्छा है नहीं, तो सस्ते लो क्वालिटी का कैमरा मैन हमने रखा हुआ ये, तो जैसे वीडियो बनाएंगे उसको समझा देंगे, अल्लाह करे बेहतर बनाए। तो लो क्वालिटी तू भी लो क्वालिटी है। ओह कसौड़ा। हाँ जी भाजी कितने दाल दाल है दोनों चौका चाहिए। चलिए पार साहब पकड़ो खोलो कैमरा मैन, आपने ना यूँ इस रोड के आगे आगे रहना है, ठीक है, खंबे के पास खड़ा होना, थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे फिर तुम पुली पे जाना, फिर अंदर खड़े हो जाना, ठीक है। ओके
नहीं ना शहनशाह तो गाइस आप बैठे हो नहला रहे हैं पहले से टोपी से लौड़े और धूप में आराम मिल रहा होगा क्या बढ़ता है और ये मेरे चाचू उसके पास जा रहे हो चिट्टा हो रहे हैं चिट्टे की जगह लाल हो गए वो बात ये ला मेरी मदद से करा बना लो पैरों में डर नहीं लग रहा है ये चिट्टे की जगह लाल हो गया पिंक और लाल पिंक और लाल एक ही होता है रेड भी कोई तो कारनामा करने वाला है तो गंदे पानी फेंक रहे बच गई हूं फ्लाइंग पीछे ना आवाज लग रही है मिनी है गाइस बैड़े से पहले एक और बैड़ा मोटा बैड़ा गाइस तुझे ब्लॉक में लूं ये इधर ही से होगा ब्लू नहीं होए हमारे घर होगा पागल जरूर ऐसे मान चाचू की बारी है नहलाने की शाबाश नहलाए नहलाए अच्छे से नहलाए सुकून से एक बाबे को जैसे तूने सही से रगड़ के वाइट हो रहा है धूप से थोड़ी छोड़ मारती टांगों से लाती ना खा लेना इसकी अपना मुंह बंद रख लो इसने मार मारा मुंह की कबूलियत का बात हुआ तो मुझे मार देंगे यार कुछ नजर ही नहीं आया था वीडियो में सो गाइस गाइस को सरफल पानी से चाचू से इतना नहला रहे हैं लगे हुए कहाँ हैं अब बेटा पिंक हो गया है पानी मारा साफ तो जी वेड़े को हमने नहला दिया है बड़ा पैड़ा लग रहा है नहलाने के बाद तो सूखेगा तब साफ होगा ना सूखेगा ऐसे पोटर शोटर मारेंगे इसको तैयार शायद करेंगे फिर इसको जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक अभी हम जा रहे हैं इसका पट्ठा छट्ठे लेने किधर धूप में खड़ा होगा तो सूखेगा ना जी हाँ गाइस वेड़े को हमने दिया नहला अभी हम जा रहे हैं इसका कुतरा वुतरा लेने तो ये हमारा मिन्ना पापा है गर्मी में वेड़े को नहलाने के लिए हमारे साथ आ गया था बैग इसका बैग इधर बैग तो भाट जी किधर जाना हूँ रोटी शोटी ला के जी अपनी अपनी रोटी तक कर सो अपनी रोटी राधी का संग चलो आओ जी अभी चलते हैं हम कुतरा वतरा लाते हैं ये मेरी जान है ये तो गाइस पट्ठे वगैरह हम ले आए हैं वहाँ पर वीडियो बनाना याद नहीं रही थोड़ा सा इसके लिए हम डाल लेते हैं कि वो जब यहाँ पे हम लाएंगे खाएंगे तभी हम चलते हैं देखते हैं हमारा चैन सा सूखा है कि नहीं सूख गया तो उसको टेडी करके ले के आते हैं वापस यहाँ पे
हां बाट जी ने लाए गलती तो नहीं कर दी तो एक्टिव हो गया बहुत ज्यादा हां जी अब इसका सुर्खी पाउडर टाइम है अब आपको इसका रिव जो है ना रेडी करके इसका हम आपको रिवील करते हैं इसे गाइस अब ये लोग आ चुके हैं और अब इसको खुशा कर रहे हैं फिर इसके ऊपर चादर डल लेंगे ये देख बस पाउडर लगता है इसके बाद ये तैयार होगा फिर आप वैडम चल रहा है पाने दे रहा है ये रखी कुतरे अकेले नहीं तो गाइस वैडा बहुत मस्ती कर रहा है देख सकते हैं आप सक्सेस बेहतर है कि मेरा नुकसान हो तो उसको थोड़ा ठंडा करते हैं अगर इसने पहनाने भी जाने तो ठीक है ये तो उसको चादर शादर डाल के ऐसे तैयार करें स्किप कर तो गाइस वैडे को हमने नहला धुला के माशाल्लाह चको चेक कर दिए जो चको चेक होता है कि चोको चेक जो भी होता है जैसे कि इन शॉर्ट टनाटन कर दिए ठीक है चादर उसको हमने पहनाई थी लेकिन उसकी भी मैंने चादर फिर उतारी है बिकॉज के नीचे मट्टी है जब बाहर निकालेंगे तो चादर ही पहनाएंगे और ब्लैक रस्सियाँ रह गई हैं वो डालेंगे तो आज का जो व्लॉग था वो हमारा वैडे को नहलाने धुलाने में था तो वो सारा काम हमारे हो चुके हैं व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड मिलेंगे इंशाल्लाह कल के नए किसी व्लॉग के साथ दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और जिस भाई ने सबसे पहले सबसे एंड में पहले नहीं एंड में जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर आगे ज़रूर किया करें और अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।